कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अभी पाकिस्तान के साथ क्या अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक बड़ी डील की है और ये डील भारत वाली डील है। जानेंगे क्या खबर निकल कर आ रहा है। और जब भारत ने शहबाज शरीफ की बात को ठुकरा दिया तो अब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर क्या धमकी दी है। जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, दो दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने एक संदेशा भेजा था इंटरव्यू के जरिए। इस संदेशे में शहबाज शरीफ ने कहा था, बहुत हो गई लड़ाई, हमने 1965, 1971, 1999 3 युद्ध लड़े और इस युद्ध से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। गरीबी छोड़कर, भूखमरी छोड़कर हम दोस्ती करना चाहते हैं और हम बातचीत के रास्ते समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। सुनकर एक बार को लगा कि कान में कुछ चला गया है, साफ कर लो फिर सुनो। फिर सुनने से यही समझ में आया कि हाँ, बोल तो यही रहा है, लेकिन शब्द किसके हैं। समझ में आया, ये शब्द IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की, तो अच्छा तो बनना होगा, संसार में ये दिखाना होगा हम उत्तम क्वालिटी के प्राणी हैं। पर भारत ने कहा कि रंगे हुए सियार हमारे यहाँ नहीं चलते हैं और एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया है, ये कहकर कि सुनो, पहले जो बॉर्डर वाली समस्याएं हैं, जो घुसपैठ वाली समस्याएं हैं, जो हमारे घर में भेज देते हो, उन सारी समस्याओं को बंद करो, फिर हम बात करेंगे कुछ। भारत ने दे दिया तगड़ा वाला झटका, जिसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान का शहबाज शरीफ बौखला गया और बौखलाने के बाद शहबाज शरीफ ने जहरीला बयान देना शुरू कर दिया। अब बयान कैसे, चूहा तभी फड़फड़ाता है जब उसके बिल में बहुत सारा अनाज हो, तब आप देखेंगे वो 100-100 कोस छलांग लगा देता है। कहावत कुछ ऐसी ही है। तो इसके पास भी कुछ आया होगा, आया है ना, दो फटेहाल मजनू मिल गए हैं, शहबाज शरीफ और अर्दोगन। यहाँ तुर्की ने एक युद्ध पोत भेजा है। तुर्की ने जैसे ही ये युद्ध पोत सौंप दिया है, ये कार्यक्रम किया गया, साजो सज्जा के बीच में तुर्की का युद्ध पोत सौंपा गया शहबाज शरीफ को। तुर्की का जब युद्ध पोत मिला तो शहबाज शरीफ को लगा कि ये तुर्रम खां बन गया है और इसने कहा, क्षेत्र में कुछ तत्व अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभाव का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि हम अपनी नौसेना को मजबूत करें, साथ ही समुद्री अभियानों को बढ़ाएं। तुर्की से मिले एक युद्ध पोत से जुड़े कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया। माने यहाँ पर ताकत महसूस होने लगा है शहबाज शरीफ को। हालांकि कुछ तो बात है कि यूं ही नहीं फड़फड़ा रहा है ये। अब एक डिटेल निकल कर सामने आ रही है। पहले तो तुर्की का ये रेफरेंस देख लीजिए, जिसमें शहबाज शरीफ इस कार्यक्रम में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि तुर्की आजकल बहुत ज्यादा मदद कर रहा है पाकिस्तान को एक महाशक्ति बनाने के लिए। हालांकि खुद की शक्ति भी उसकी बेहद कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ कुछ चीजें आ जाए और वो भी 2-4 रुपए तुर्की से कमा पाए। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आती है। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या रिश्ता है। हाल फिलहाल में कई बार ये देखा गया है और कई बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में गुपचुप बैठकें होती हैं और इन गुपचुप बैठकों में आखिर किस चीज को लेकर बात होती है। भारत के साथ अमेरिका ने 2-3 समझौते किए, लामोआ, कैमकासा, जिसके तहत एक अच्छे और बड़े सहयोगी का दर्जा दिया भारत को। पीएम मोदी और अमेरिका के संबंध भी हाल फिलहाल के दिनों में काफी मजबूत देखे गए हैं। बहुत जगह अमेरिका ने भारत की बात मानी भी है और भारत ने अपनी शर्तों पर अमेरिका से काम करवाया भी है। पर जब ये साइन हुई डील भारत के साथ, सुरक्षा डीलें, तो फिर ये तय हो गया और ये कहा जाने लगा कि जी, नाटो अपने युद्ध पोतों के रिपेयरिंग के लिए या युद्ध पोतों को खड़ा करने के लिए भारत के बेस का इस्तेमाल कर सकता है, भारत के पोर्ट पर उतार सकता है अपने युद्ध पोतों को। दूसरी चीज थी कि इस तरीके के डील करने से भारत को फायदा ये था कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस के समझौते हो सकते हैं, अमेरिका से जो क्रिटिकल चीजें हैं वो खरीद सकता है भारत। कुछ इसी तरीके के समझौते की बात अगर निकल कर आए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया
किया है तो सुनकर कैसा लगेगा। चीन के साथ करीबी बढ़ा रहे भारत के दुश्मन पाकिस्तान पर ऐसा लगता है जैसे अमेरिका फिर से मेहरबान हो गया है। अमेरिका ने कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ 15 साल के लिए सिस्मोआ सुरक्षा समझौता किया है। इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ भी इसी तरह की डील की और इस डील का मतलब है कि अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका से घातक हथियार पाने का रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने गुपचुप तरीके से बैठक करके अमेरिका के साथ हुए इस सुरक्षा समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका अपने उन करीबी देशों और सहयोगियों के साथ ये समझौता करता है जिनके साथ वो करीबी सैन्य और रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। इसका नाम है सिस्मोआ। ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को दूसरे देशों को सैन्य हथियार और उपकरण बेचने के लिए कानूनी आधार देता है। हालांकि अभी तक इस समझौते का न तो अमेरिका ने ऐलान किया है और न ही पाकिस्तान ने ऐलान किया है, अभी ये मीडिया से ही निकल कर आ रहे हैं। पर शहबाज सरकार के कैबिनेट से इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है कि शायद इस समझौते को मंजूरी मिली है गुपचुप तरीके से। इससे पहले 2005 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साल 2020 तक के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ये समझौता खत्म हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि अब दोनों ही देशों ने इस समझौते को फिर से आगे बढ़ा दिया है और इस समझौते के तहत दोनों देश जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, एक दूसरे के बेस और उपकरण का इस्तेमाल कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें, आने वाले कुछ सालों में अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान को कुछ घातक हथियार बेचे। हालांकि भारत के लिए ये डील खतरनाक होगी। भारत के लिए ये डील इसलिए खतरनाक होगी क्योंकि पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक अगर अमेरिका जुड़ा रहता है तो ये भारत के लिए सही नहीं है। और F-16 फाइटर जेट को जो अपग्रेड करने के लिए अमेरिका की चाहत है और पाकिस्तान चाहता है कि अपग्रेड हो, अगर अपग्रेड होगा तो सबसे बड़ा खतरा भारत के ऊपर ही आएगा, ये भी निश्चित है। वैसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है, अमेरिका इस तरीके की हरकत कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार अमेरिका को ये देखा गया है कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी से काम करता है और सबसे पहले अपने हितों को देखता है। लेकिन हाँ, ये भी बात जरूरी है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एकजुट होकर हैं, ऐसे में पाकिस्तान को अलग करने की अमेरिका की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में आता है जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किधर चला जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।